बिस्किट्स, कपड़े हैं और क्या है? कल तुम्हारे कपड़े प्रतीक से मंगवा लूंगा, अभी के लिए पहन के आ जाओ। आ जाओ मतलब? सोने के लिए। सोने के लिए मतलब? मैंने बेड तैयार कर दिया, इसका मतलब है कि जाओ, चेंज करो, चुपचाप वापस आओ और बेड पे सो जाओ। हम बेड पे नहीं सोने वाले। तुम क्या खड़ी होकर सोती हो? खड़े होकर तो नहीं, पर अकेले सोते। मैं अभी साथ में पूरी बारात लेके नहीं सोता। हमें क्या पता, अजीब अजीब से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, साल भर की शादी करते हो, पता नहीं और क्या क्या करते होंगे। इंग्लिश इंग्लिश का प्रसाद आप रेडी रखते हो, मौका मिला नहीं कि बांटना शुरू। वैसे हम आपको बता दें कि हम बाकी लड़कियों जैसी नहीं है जो इंग्लिश के कंचों पे फिसल जाए। कभी कभी मुझे खुद डाउट होता है कि तुम्हें अपनी बात समझ में आती भी है या नहीं। Listen, let me be clear. तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम में उस तरह से तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। हमारा क्या नहीं पता? हमारा क्या नहीं पता? वैसे अगर आपको हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना, तो हमको आपने बिल्कुल बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट लेवल 100 में से 0, बल्कि -100। हो गया मैच तुम्हारा, जाओ बेड पे सो जाओ। अगर आपने एक भी बार और बेड कहा ना, बोलूंगा एक बार नहीं 3 बार बोलूंगा बेड बेड बेड। क्या कर लोगी तुम? मेरी बात पूरी होने से पहले ही तुम रिएक्ट कर देती हो। देखो, आई वाज सेइंग कि तुम उस बेड, तुम वहां सो जाओ, मैं यहां सोफे पे सो जाऊंगा। नहीं, सोफे पे हम सोएंगे। सोफा दरवाजे से नजदीक है, तो अगर हमें रात को डर लगा तो भागने में आसानी होगी। फाइन, व्हाटएवर। एक्चुअली नहीं, सोफा भी दरवाजे से थोड़ा दूर है। आप एक काम करो, आप ना हमारे लिए गद्दा लगा दो। गद्दे को हम दरवाजे से एकदम सटा के सोएंगे। गद्दा फाइन है। फाइन। खाने के लिए नहीं, हमारे चेहरे पे लगाने के लिए है। अरे मैं खा नहीं सकता, मुझे भूख लगी है। अच्छा भूख लगी है? अरे घर में इतना बड़ा कांड, घर में इतना बड़ा कांड हुआ है और आप यहाँ खामोश खाने की पड़ी है। यशोदा जी, एक टांग से लंगड़ाते लंगड़ाते ना ओलंपिक भी जीत लूंगो ना, सबकी जगह हमको हाथ में नहीं आने वाला, क्योंकि घर में नई बहू आ गई है और बाकी हमारे हाथ से निकल गया है। अम्मा उस मिस्री को इस घर की बहू का दर्जा कभी नहीं देंगी, देख लेना। अपनी अम्मा की मौत हो गई है और पोता आशिक बन गया है, एक हारेगी और आशिक ही जीतेगी। काज अच्छा बच्चू लगी सर लगी। आप दोनों ये शर्त हारने वाले हैं। सरत सरत कहाँ होती है? नाटक मत करिए, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप दोनों को प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए ना, और मिश्री जब तक इस घर में, आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब तुम इस घर की बहू बन जाओगी तो सारा जायदाद हमारे नाम करके चली जाओगी? अरे तब भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। अरे आप दोनों मेरे सगे मौसी मासा जी हो, तो मैं आप दोनों का मिश्री से ज्यादा ही ख्याल रखूंगी ना। मतलब? इस वक्त हम तीनों की प्रॉब्लम मिश्री है। एक काम करते हैं, टीम बनाते हैं और मिश्री को घर से बाहर निकाल देते हैं।